में जिप फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको उसे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है। कंप्यूटर में जिप फाइल ट्रांसफ़र करने के बाद उसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यहाँ पे जाने के बाद आपका ये पूरा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो खुल जाएगा। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को सही जगह पर डालना होगा। तो फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट को मैं अपनी मनचाही डायरेक्टरी में डाल रहा हूँ। मैंने उसको राइट क्लिक किया, कॉपी एफ, और मैं यहाँ एफ में ही इसको ऊपर ही पेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे अगर इसे खोलना है तो एंड्रॉयड स्टूडियो को चालू करना है। फाइल ओपन, और एफ डायरेक्टरी में जाके सर्च करना है क्रूट बाय एमडी जमा। इसको ओपन करना है, ठीक है। न्यू विंडो पे यहाँ पर वो लोड होता रहेगा और धीरे धीरे आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर ये पूरा लोड हो जाएगा आप पूरा कोड देख पाओगे इस तरह से। एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना पड़ेगा, नोड बनाना पड़ेगा रियल टाइम डेटाबेस में। ओके, अब ये जैसे ही लोड हो जाएगा तो जैसा मैंने बताया कि हमको स्टूडेंट नाम का एक नोड बनाना है और उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स बनानी है। तो कौन कौन सी फील्ड बनानी है? फील्ड का नाम है नेम, कोर्स, ईमेल, PURL, ठीक। तो चलिए बनाते हैं। ब्राउज़र में जाके सर्च करना है console.firebase.google.com, ठीक है। हमेशा प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऐड प्रोजेक्ट, जो नाम दे रहे हैं हम दे देते हैं प्रोजेक्ट को। यहाँ पे क्रूड नाम दिया है मैंने। कंटिन्यू, सेलेक्ट अकाउंट, हम यहाँ पर कोई भी एक डेमो अकाउंट ले लेते हैं। सो कम्प्लीटली एक नया अकाउंट ही बना लेते हैं, उसको भी मैं नाम दे देता हूँ क्रूड। सेव, सब कुछ सेव रखते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, थोड़ी देर में प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। बन जाने के बाद कंटिन्यू, और ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब हमारी ऐप को इसके साथ कनेक्ट करना है। ऐप को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, जिसमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे टूल्स पे जाना है, फायरबेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद रियल टाइम डेटाबेस पर जाना है और कनेक्ट पर, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है, जो कि सही नहीं है क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। हमारे इस फाइल का पैकेज का नाम है com.example.crud/md_jamal। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, प्रोजेक्ट सेटिंग, एंड्रॉइड, com.example.crud/md_jamal, ये नाम और ये स्पेलिंग सेम होनी चाहिए वरना काम नहीं करेगा। रजिस्टर ऐप, इस जेसन फाइल को डाउनलोड करना है पर फिलहाल अभी नहीं डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट, कंटिन्यू टू कंसोल। यहाँ पर जाने के बाद इस जेसन फाइल को हमें डाउनलोड कर लेना है। और इस जेसन फाइल को यहाँ से कॉपी करना है और यह हमारे प्रोजेक्ट में एंड्रॉयड की जगह प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आके पेस्ट करना है।
और एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट करना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर वापस आना है बिल्ड में, रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करना है, क्रिएट डेटाबेस, नेक्स्ट, टेस्ट मोड इनेबल। थोड़ा टाइम लेने के बाद ये रहा हमारा मेन एक्टिविटी। हमारे मेन नोड का नाम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आना है, नाम देना है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जाना है S1, उसके अंदर हमको चार फील्ड बनानी है, चारों फील्ड का नाम यहाँ से देखना है, मॉडल नेम कोर्स ईमेल TURL। सो नेम, ठीक है, नाम दे देते हैं हम सोर्स कोड या कुछ अच्छा सा नाम जैसे कि राज मिश्रा। ठीक है, कोर्स MCA, ईमेल raj_gmail.com और एक प्रोफाइल URL, या PURL की जगह हमको कुछ एक अच्छा सा फोटो डाल देना है जो कि हमें नेट से भी मिल जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर्स, और यहाँ पे जाके इमेज सर्च करके हमको जो कोई अच्छी इमेज मिलती है उसको राइट क्लिक करना है और कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आके हमें इसे पेस्ट कर देना है और ऐड पे क्लिक करना है। अभी हमने एक ही स्टूडेंट का डिटेल डाला है तो अब इसे रन करके टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने के लिए मैं एमुलेटर चालू कर रहा हूँ। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा दिखता है।